और ये कहते हैं आई दुखनी, आज डीएपी की रेट बता दे नेता जी, क्या रेट है डीएपी, क्या रेट है बताइए, किसान है आप, डीएपी का क्या रेट है किसान है? अरे बोरी लाते हैं 1300 कितने की, 1300 कुछ रुपए की है। यूरिया डाई 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 यूरिया 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 300-400 कुछ रुपया की है यूरिया। हाँ 265 रुपए का सरकारी रेट है यूरिया का, कैसे किसान है यार सरकारी रेट, अब आप कैसे नहीं मिल रहा है, सरकार तो कह रही है खाद ले ली, नहीं नहीं कह रहे खादे नहीं मिल रही, नहीं सोसाइटी में जाइए मिल जाए, कह तो रहे नहीं मिल रही ऐसी बात नहीं, अरे बिना खाद इधर आइए, ये भाजपा के हैं कह रहे, ये कह रहे सोसाइटी बहुत भरी पड़ी है, नहीं नहीं है, ये लिए भाजपा के हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही, नहीं मिला है, कह तो रहे सोसाइटी नहीं नहीं सोसाइटी में नहीं मिलता है, अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे भाजपा वाले, आप समझे सिर्फ कागजों पे काम होता है इस गवर्नमेंट में। महंगाई है कि नहीं नीचे स्तर से, महंगाई नहीं है, काम करने वाले को महंगाई नहीं है। एक बार जरा नाम पूछ ले, नाम क्या नाम है, सुनील ठाकुर, सुनील ठाकुर, सुनील ठाकुर तभी ये कह रहे हैं भैया, ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं, ठीक है ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं, ये इनके अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त है, आपको नहीं लग रहा महंगाई है, आपको नहीं लग रहा, अभी एक हफ्ते पहले 150 रुपये किलो टमाटर बिका है भैया, 150 रुपये किलो टमाटर बिका है, 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ठीक है 10 रुपये किलो का जो है आटा अब 35 रुपये किलो आटा हो गया है, महंगाई इनको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है क्योंकि ये अंधभक्त हैं, ये कहते हैं ना कि गऊ माता तो ये गोबर खा लेंगे, इनको अनाज की कमी नहीं, गोबर से काम चला लेंगे, बीजेपी वाले यही हैं भैया, ठीक है ये महंगाई बात कितना ये बता रहे हैं अभी 8-10 वो समय 8 साल में, आपस में मत लड़िए, पहले आप बता रहे हैं 8 साल में, 8 साल में, 8 साल पहले वही से गोबर खा लेंगे, बतमीजी वाला भाषा का है भैया, ये बताइए, ये नहीं एक बताइए, आप खुद ही कहते हैं, आप खुद ही कहते हैं, देखिए एक चीज और है, आप गुंडाई ना करिए, देखिए ठीक है आप ये ना कहिए लेकिन यहाँ गुंडाई नहीं भाई, कोई भी नहीं गुंडाई मत करिए, गुंडाई नहीं भाई, महोदय जी गुंडाई दिखा रहे हैं, महोदय जी गुंडाई दिखा रहे हैं, देख लीजिए उनका तेवर, देख लीजिए तेवर, देख लीजिए तेवर, देख लीजिए, सत्ता में है तो तेवर नहीं रहेगा, अरे बिल्कुल जब तेवर ही होता है, सत्ता कम काम की बात करें ना, सत्ता में तो काम की बात करें ना, काम की कोई काम बताए ना, सत्ता में कोई मुद्दे की बात करें ना, ये गुंडाई दिखाने से क्या होता है, नेता जी आप बताइए क्या नहीं बेचा, रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था वो आपने बेच दिया, क्यों नहीं बेचा, ठेके पे कर दिया और क्या चाहिए, आप प्राइवेट कंपनियों दे रहे हैं ये बेच नहीं रहे, ये नेता जी बता दे बचा है क्या, रेलवे में क्या बचा, वैकेंसी वो बेच दिया आपने, मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल बनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, एयरपोर्ट भी आपने बेच दिया, वो भी बेचा कि नहीं, बेचा कि नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अच्छा फिर प्राइवेटाइजेशन करें वो बताए, वो बेच दिया, रेलवे बेच दियो, एयरलाइंस बेच दिए, और आज बता रहे ना कांग्रेस की बात कर रहा, अभी भैया ने कहा था 8 साल में इतनी महंगाई बेच दिया, रेल बेच दिया, रेल बेच दिया, कुछ बिका है, इनका दिमाग बिक गया है, इनकी सोच बिक गई है, कैसे और क्या बिका है बताइए ना, कुछ नहीं बिका है, तो कह तो रहे हैं रेल बिक गया, रेलवे नहीं बिका है, सब एयरलाइंस बिक गई, जॉब का मतलब क्या हुआ, जो मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे लोग तो क्या करेंगे, यही सोचेंगे कुछ बिका है कुछ नहीं बिका है, कुछ नहीं बिका है तो आप बताइए आप कैसे कहते हैं, वहाँ पे जाओ ना रेलवे, पहले लिखा था रेलवे आपकी संपत्ति, लिखा रहता ना रेलवे ये संपत्ति से अडानी लिख के आता है, बिल्कुल जाइए आप, कहाँ लिखा है बताइए, किस स्टेशन पे लिखा है, अरे बाबू किस ट्रेन में जाइए, अभी भी अडानी अंबानी हर जगह लिख के आता, आप बताइए, नहीं चलिए आप चलिए आज अभी चलिए, अभी पहले जो रेलवे स्टेशन वो आपका हवाई अड्डा था लखनऊ का, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा होता था, अब आप वहाँ जाएंगे तो अडानी हवाई अड्डा लिखा, अडानी के मानिए कोई काम कर, अडानी हवाई अड्डा हम तो गए नहीं अभी, भाई हम कैसे कर देंगे अडानी लिखा, लाल किला डालमिया देख रेख कर रहे हैं, वहाँ जो लाल किले का जो कुछ है अब डालमिया ग्रुप के अधीन है, दिख रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, सफाई देख सफाई वफाई कर रहे हैं, गरीब ने वोट इसलिए दिया था कि मोदी जी अच्छे काम करें, मगर गरीब और काम भी कोई अच्छा नहीं किया हुआ है, गरीब एकदम दुखी हो चुकी, किसान तो बिल्कुल दुखी हो चुका है, आप किसान को आप बताएं, आए दो आए हम दुखी नहीं है, आए दो गुना हुई, किसानी आप करते हैं किसान हैं, आए दो गुना हुई कि नहीं किसानों की, हुई
12 रुपए गेहूँ बेचे हैं, अब 24 रुपए गेहूँ बेच चुका हूँ। सिलेंडर क्या रेट में बताइए? सिलेंडर के देखिए, पहले सब्सिडी थी, सिलेंडर का रेट इस टाइम पे है कितना है? तो 400 वाला ठीक था कि 1140 वाला? जैसे जैसे आगे देश बढ़ता जाएगा। आप भी किसान हैं? हम किसान तो बनास के रहने वाले किसान हैं। किसानी करते हैं आप? किसानी नहीं करते हम लोग, सब नौकरी पैसे वाले आदमी हैं। तो किसानों की आय दोगुना हुई है कि नहीं कह रहे हैं? किसानों की आय किसान वही गेहूँ आज 16 रुपए में खरीदता है, बेचता है, और उसके बाद वही आटा खरीदने जाता तो उसको 42 रुपए मिलता, ये हुई है किसान की आय दुगनी। और कहते हैं आय दुगनी, आज डीएपी की रेट बता दें नेताजी। डीएपी क्या रेट है? किसान है आप, डीएपी का क्या रेट है किसान है? अरे बोरी लाते हैं 1300 कुछ रुपए की है। यूरिया डाई यूरिया 300-400 कुछ रुपए की है। यूरिया हाँ 265 रुपए का सरकारी रेट है यूरिया का। कैसे किसान है आप? सरकारी रेट आप कैसे किसानी कर? किसान है ये? किसान है ये, किसान की बात करते हैं, इनको खाद की रेट पता नहीं। किसान है बताइए, कहे नहीं बता पाए। आइए इधर आइए, किसान क्यों नहीं बता पाएगा? कैसे हम बताएंगे? दुकान पर जाएंगे तो 350 का सरकारी रेट है, 500 का मिलेगा तो 500 को लेंगे, 1500 का अगर 1200 का। सरकारी नहीं मिल रहा है? सरकार तो कह रही है खाद ले ली। नहीं नहीं कह रहे खादे नहीं मिल रही। नहीं सोसाइटी में जाइए मिल जाए। तो रहे नहीं ऐसी बात नहीं। अरे बिना खाद आइए इधर आइए। ये भाजपा के हैं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सोसाइटी बहुत भरी पड़ी है। नहीं नहीं है, ये लिए या भाजपा कार्यकर्ता कागजों में। कहाँ से? गाजीपुर से हैं और भाजपा के हैं ये। अहमदाबाद 8 बीघा भी हमारा मिर्चा है और मैं खरीदा हूँ ब्लैक में 1500 का ढाई। अच्छा आप भाजपा के हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही? नहीं मिला है। कह तो रहे सोसाइटी नहीं नहीं सोसाइटी में नहीं मिलता है। अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाजपा वाले? सिर्फ कागजों पे काम होता है इस गवर्नमेंट में। क्या रहे समझे आप? कागजों में काम होता है इस गवर्नमेंट में खाली।